अलीगढ़ की रहने वाली बीजेपी नेता रूबी खान एक बार फिर से सुर्खियों का हिस्सा बन चुकी हैं। एक वक्त पर कट्टरपंथियों के निशाने पर रही रूबी खान ने इस बार नवरात्र के व्रत रखकर सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश की है। अब जबकि रमजान का महीना भी शुरू हो रहा है तो वो नवरात्र के व्रत और रोजे साथ साथ रखेंगी। उनका मानना है कि वो ये संदेश देना चाहती हैं कि हिंदू और मुसलमान सब एक हैं, उनके बीच में कोई भेदभाव नहीं है। वो तो कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि भेदभाव खत्म हो, उन्हें उन लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। रमजान का व्रत रखेंगी और कब से आपने ये चालू किया है? साथ साथ पढ़ रहे हैं नौ दुर्गे और रमजान, तो दोनों ही रखूंगी, व्रत भी रखूंगी और रोजे भी रखूंगी। और रोजे का टाइम होगा तो उसी तरह से रोजे के हिसाब से चलूंगी, पूजा का जो भी टाइम है पूजा करूंगी पूजा के टाइम पर। कब से आप पूजा कर रही हैं? पूजा तो कल से स्टार्ट की है मैंने। कितने साल से कर रही हैं? पूजा को 8 साल हो गए करते हुए। तो आप हर बार ये माँ दुर्गा की प्रतिमा रखती हैं? जी। इस बार क्या विशेष करेंगी आप? मैं यही चाहूंगी कि सब लोग मिलजुल कर ये त्योहार मनाए, हिंदू मुस्लिम का एकता रहे, इसी तरह कोई भेदभाव ना रहे किसी के बीच। मैं चाहती हूँ कि रमज़ान ईद मिलजुल कर मनाएं, इसी तरह से व्रत। मैं चाहती हूँ कि और भी बहनें मेरी सब मिलजुल कर व्रत रखें, कोई भेदभाव ना समझें हिंदू मुसलमान के बीच। हमेशा एकता का संदेश देती आई हूँ और इसी तरह देती रहूँगी। इतने जो विवाद हो जाते हैं बातों पर, कभी बाउंड्री के चक्कर में कब्रिस्तान की तो कभी किसी मंदिर के चक्कर में, मैं चाहती हूँ इन विवादों को ख़त्म करें और मिलजुल कर रहें। और जो भी है न्याय की चीज़ उसको ऊपर वाले कृपा से अपनाएं, झगड़ा बिल्कुल ना करें किसी भी। जो कट्टरपंथियों के आप निशाने पर रहते हैं उनको आप क्या जवाब देना चाहेंगे? जी, कट्टरपंथी तो इसी तरह निशाने पर रखते आए और रखते रहेंगे, लेकिन मैं इन कट्टरपंथियों से नहीं डरती हूँ और ना डरूंगी। खैर, रूबी खान का तो इस बारे में साफ कहना है कि वो कट्टरपंथियों से नहीं डरती, तो वहीं रूबी खान के पति आसिफ खान भी अपनी पत्नी का पूरी तरह से समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी समाज के भेदभाव को खत्म करना चाहती हैं, तो समाज में संदेश देने के लिए उनका भी यही कहना है कि लोग हमारे देश में बिना भेदभाव के रहें और हम सब लोग एक हैं। और किस तरह से आपकी पत्नी व्रत रख रही हैं? मेरा नाम आसिफ खान है। मेरी पत्नी हमेशा भेदभाव ख़त्म करने के लिए कुछ ना कुछ करती रहती हैं कि हमारे हिंदुस्तान में हिंदू भाई मुस्लिम भाई सब मिलकर रहें, और यहाँ पर उनका एक मानना है किसी में भेदभाव न रहे, किसी मज़हब में भेदभाव न रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक हैं, कोई भी अलग नहीं है, सब भाई भाई हैं। और वो अब इस बार नौ दुर्गे और रमज़ान एक साथ चल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं इस बार रमज़ान भी रखूँगी और व्रत भी रहूँगी। रमज़ान के टाइम रमज़ान होगा, व्रत के टाइम व्रत होगा, पूरे नौ दुर्गे रखेंगी, नौ व्रत नौ दुर्गों में, और एक महीने के रमज़ान होते हैं और रमज़ान भी रखेंगी। तो आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? संदेश मैं ये देना चाहता हूँ कि अपने हिंदू भाई हैं मुस्लिम भाई हैं, कोई भी किसी के बहकावे में ना आए, इधर उधर ना भटकें, आपस में बिल्कुल जिस तरीके से हम हिंदुस्तान में रहकर आएँ प्यार मोहब्बत से, उसी तरीके से रहें। हमारे उत्तर प्रदेश में कोई भी भेदभाव नहीं है किसी तरीके का भी, और सरकार भी हमारी इतनी अच्छी है कि उसमें भी कोई भेदभाव नहीं है। योगी जी का और मोदी जी का एक ही संदेश है, हिंदू मुस्लिम सब एक हैं, सबका साथ सबका विकास, सब मिलजुल कर रहें, कोई किसी के बहकावे में आकर आपस में आपसी सौहार्द में कोई धब्बा न लगाए जिससे हमारे देश की बदनामी हो कि साहब वहाँ पर हिंदू मुस्लिम लड़ते हैं। आपको याद दिला दें कि सितंबर साल 2022 में रूबी खान गणपति विसर्जन को लेकर कुछ इसी तरह का संदेश लोगों को देना चाहती थी, मगर इसके बावजूद वो कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गई थी। उनके खिलाफ बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो चुका था, मगर उसके बावजूद भी वो अपने इरादे से पीछे नहीं हटी।